आज हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के नए शो सफल होगी तेरी आराधना के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन और जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ लॉन्च होने वाला है। इस शो में आपको सुधा चंद्रन, करणवीर शर्मा और गौरी शेलगांवकर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलेंगे। शो का प्रोमो ऑलरेडी काफी बस क्रिएट कर रहा है और फैंस से लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। शो की कहानी आराधना नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है, जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चैलेंज फेस करती है, लेकिन अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़ती। आराधना की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने सपनों को सफल करना, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलें और सामाजिक बंधन रोकने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि आराधना अपनी कोशिशों में सफल हो पाएगी? अब बात करते हैं कास्ट की। सुधा चंद्रन, जो की एक आइकॉनिक एक्ट्रेस है, शो में एक पावरफुल रोल में नजर आएंगी। उनका कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल होगा और कहानी को एक नया मोड़ देगा। करणवीर शर्मा, जो हमें पहले भी कई पॉपुलर शो में दिखे हैं और इस शो में भी उनका रोल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। गौरी शेलगांवकर, जो आराधना का लीड रोल निभा रही हैं, शो का सेंटर पॉइंट है और उनकी एक्टिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। ये शो एक सोशल ड्रामा होने वाला है, जिसमें फैमिली वैल्यू, स्ट्रगल और पर्सनल ग्रोथ का एलिमेंट देखने को मिलेगा। दंगल टीवी के शो वैसे भी अपनी यूनिक स्टोरी लाइन और एंगेजिंग कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और ये शो भी कुछ अलग नहीं है। प्रोमो के बेसिस पर रहा है कि कहानी ऑडियंस को इमोशनल और मोटिवेशनल दोनों ही लेवल पर इम्पैक्ट करेगी। आपको क्या लगता है, सुधा चंद्रन का कैरेक्टर इस शो में कैसा होगा? क्या आप करणवीर शर्मा को इस नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।